नीट 2023 के नतीजे घोषित हो चुके हैं। नतीजों में कैथल के लक्ष्य गर्ग ने नीट की परीक्षा में 71वां रैंक हासिल कर हरियाणा में पहला स्थान हासिल कर देश में नाम रोशन किया है। लक्ष्य गर्ग की इस सफलता के पीछे 12 से 15 घंटे की कड़ी मेहनत है। लक्ष्य गर्ग ने नीट में 71 रैंक पाने के लिए हर रोज करीब 12 से 15 घंटे की पढ़ाई करके न केवल माँ बाप का नाम रोशन किया बल्कि अपने जिले और प्रदेश का नाम भी रोशन किया है। लक्ष्य गर्ग ने 12वीं कक्षा में 97% अंक हासिल किए हैं। पढ़ाई के साथ साथ लक्ष्य का लक्ष्य नीट में एक अच्छा रैंक हासिल करना था। लक्ष्य ने बताया कि NCERT की किताबें पढ़कर ही उन्हें इस लक्ष्य में सफलता मिली है। लक्ष्य का कहना है कि उनकी सफलता के पीछे उनका दृढ़ लक्ष्य था कि हर रोज अपना सिलेबस पूरा करने का टारगेट रखती थी और इसी नीति के कारण उन्होंने नीट के नतीजों में हरियाणा में अपना पहला स्थान और देश में 71वां रैंक हासिल कर लिया है। मैंने ऑल इंडिया रैंक 71 लेके हरियाणा में टॉप किया है। तो कैसे रही आपकी एजुकेशन और कितनी मेहनत की है? सर मेहनत बहुत की है क्योंकि स्कूल भी था, कोचिंग भी थी और साथ में सेल्फ स्टडी भी करने का टाइम मिलना लेना पड़ता था सेल्फ स्टडी का। टारगेट कब से बना? टारगेट प्लस वन से ही बना रखा था कि नीट ही करना है और तभी से तैयारी शुरू कर। तो ओवरऑल में जो सबसे जो ज़्यादा मेहनत है वो किस में सब्जेक्ट में की गई? सभी सब्जेक्ट्स में बराबर की मेहनत ज़रूरी है क्योंकि बायो का पेपर ज़्यादा नंबर का आता है पर फिजिक्स थोड़ी सी मुश्किल लगती है, तो सभी में बराबर मेहनत। NCERT पे कितना ध्यान देना जरूरी है? NCERT पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली बायो और केमिस्ट्री की। फिजिक्स के लिए टीचर्स काफ़ी अच्छे होने ज़रूरी हैं जिनसे कंसेप्ट्स क्लियर रहे। तो परिवार का सहयोग कैसा रहा? परिवार में सभी को बहुत खुशी हुई कि हरियाणा में। थोड़ा बैकग्राउंड बताएं, मैट्रिक में कितने परसेंट थे, प्लस टू में कैसे रहा, कैसे आपका सफ़र चला है? 10th में तो एग्ज़ाम्स नहीं हुए थे कोविड के कारण, 12th में मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है 97.2% के साथ, 97.8%। तो मन कब बना कि मैंने नीट ही करना है? मन कब बनाया आपने कि मुझे नीट ही करना है? मैंने मन प्लस वन के मिड में बना लिया था कि नीट ही निकालना है। तो कब नीट करना चाहिए, बच्चों को क्या कहना चाहेंगे आप? नीट की तैयारी कब से करनी चाहिए? तैयारी जब उनका मन बन जाए कि अब मेरा मन है कि मैंने डॉक्टर ही बनना है, तब से नीट की तैयारी शुरू कर। कितने घंटे पढ़ाई होती थी? डिपेंड करता था वर्कलोड पे कि कितने घंटे पढ़ाई करनी है, कभी कभी 8 घंटे भी हो जाती थी, कभी कभी 15 घंटे भी चली जाती थी, तो वो डिपेंड करता। तो बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि मेहनत करनी है और एक अपना टारगेट सिलेबस के हिसाब से लेके चलना है कि आज मैंने इतना सिलेबस पूरा करना है अपना, तो उस हिसाब से तैयारी करें, NCERT पढ़ें हर एक लाइन अच्छे से, NCERT से ही क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं सीधा, तो उसी से आपका रैंक अच्छा। आपको बता दें कि कैथल के लक्ष्य गर्ग ने नीट की परीक्षा में 71वां रैंक हासिल कर हरियाणा में पहला स्थान हासिल कर देश में नाम रोशन किया है। लक्ष्य गर्ग की सफलता के पीछे 12 से 15 घंटे की कड़ी मेहनत है। पंजाब के सिटीवी के लिए कैथल से ब्यूरो रिपोर्ट।